वेलकम व्यूअर्स, और बात करने वाला हूँ द इंडियन होम की, और उसके अंदर एक टेक्निकल ब्रेकआउट दिख रहा है मुझको। सो मुझे लगता है कि सोमवार को इसके अंदर एक रफ्तार या दौड़ या शुरू हो सकती है। सो दोस्तों प्लीज़ चूकना मत, और जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वैसे मैं ये सारी पिक जो हैं स्विंग ट्रेड वाला अपने जो पेड मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करता हूँ, बट उनका आया है कि इसके भी छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दीजिए, अगर किसी और को फ़ायदा हो रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने ये पहल शुरू करी है। अगर ये पहल समझ में आ रही हो आपको तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, मैं कंटिन्यू करूँगा इसको। जैसे कि मैं आज ऑलरेडी एक पेनिसिया का बता चुका हूँ, दूसरा ये बता रहा हूँ। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे दोस्तों डिस्क्लेमर से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। कंपनी का नाम है दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, इंडियन होम पाइप कंपनी लिमिटेड। और इसका जो काम है दोस्तों बहुत अच्छा खासा फैला हुआ लंबा चौड़ा काम है, आप लोग देख सकते हो। पाइपलाइन वाला काम है, रेलवे वाला भी लिखा हुआ है इनके अंदर, आप पूरा पढ़ लेना। इतने ज़्यादा डिटेल पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखिए अब स्टील पाइप कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट है इनके पास, प्रोजेक्ट क्या है, वाटर सप्लाई की प्रोजेक्ट है इनके पास, सेवरेज का काम ये करते हैं, पावर का काम ये करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट भी है इनके पास, और बहुत सारे कस्टमर हैं इनके पास, बड़े बड़े L&T, SCC, NCC, टाटा पावर, इंडियन रेलवे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, मतलब यूज़ कह सकते हो, बहुत नाम है माने जाने, ठीक है। और रिसेंट डील जो इन्होंने करी है दोस्तों, देखिए आप, रेलवे बोर्ड के साथ करी हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ करी हुई है। और ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कंपनी की प्रोफाइल जो है सॉलिड है, ठीक है। मीन्स वैसा नहीं है कि पेनिशेयर ये सब, वो सब कहानी इसके अंदर नहीं है, सॉलिड स्टॉक बता रहा हूँ मैं। मार्केट कैप दोस्तों 1100 करोड़ का है, करंट मार्केट प्राइस 230 रुपये का है, 52 वीक हाई 240 है, और जो 52 वीक लो है वो 153 है। और जो मैं अपडेट आपको बताने वाला हूँ, जो ब्रेकआउट, मुझे लगता है कि अपना ये 52 वीक हाई तोड़ने वाला है। सो पूरा वीडियो देखिए, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, ठीक है। ग्रोथ कर रही है कंपनी लगातार, आप लोग देख सकते हो। दूसरा ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, डेब्ट फ्री है लगभग, हेल्दी डिविडेंड भी देती है कंपनी। और आगे देखते हैं, फंडामेंटली बात करें दोस्तों, फंडामेंटल एकदम साउंड है। लगभग हर क्वार्टर में, या कह सकते हो या हर ईयर में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा है। ये देखिए आप, ये ईयरली है डेटा, इससे पता लग जाएगा आपको। सो कोरोना काल हुआ, कोई सा भी काल हुआ, इनका प्रॉफिट हुआ ही है दोस्तों, ठीक है। सो ये बैलेंस शीट है इनकी, आप देख सकते हो, जो बोरिंग्स हैं, जो लोन वगैरह वो कम होते जा रहे हैं, जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये ओवरव्यू कहानी थी दोस्तों, साउंड कंपनी है फंडामेंटली, बिल्कुल सटीक, बड़े बड़े ऑर्डर हैं इनके पास, बड़े बड़े कस्टमर हैं इनके पास, ठीक है। मीन्स घबराने वाला मैटर नहीं है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 70% है, तो वो भी बहुत अच्छी है, जिसमें कि प्लज नहीं है। बिना देरी के दोस्तों उसके चार्ट पे देखते हैं। फंडामेंटली मैंने आपको पूरा विवरण दे दिया, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, चाहे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे उसके पास कौन कौन सा ऑर्डर है, कौन कौन से कस्टमर हो, सबका आपको ओवरऑल आइडिया लग गया है। आप लोग भी गो थ्रू करना इस कंपनी के नाम वगैरह, और जो मुझे इसके अंदर टेक्निकली ब्रेकआउट दिखाया दोस्तों, इस वजह से मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। पहला पॉइंट यह है, ये देखिए आप, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, और जो अगला टारगेट मुझे इसमें लग रहा है, जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, 272 रुपये का है। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट होना कह सकते हो बहुत मजबूत ब्रेकआउट माना जाता है। और यहाँ से अभी ये 229 पे है, तो 272 में बहुत अच्छा खासा एक स्विंग ट्रेड बन सकता है इसके अंदर, और इससे आगे निकला तो फिर 300 प्लस तक के टारगेट इसके अंदर मुझे बहुत छोटे समय के अंदर दिखते हैं, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। और एक स्टॉप लॉस 200 रुपये का हमेशा इस पर लगा होना चाहिए, ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सो 200 रुपये से नीचे जाए तब इसके अंदर फिर कह सकते हो एक जो अपर ट्रेंड है वो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो 200 रुपये का लेवल आपको पता होना चाहिए, उससे नीचे फिर गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा इसमें। सो फिलहाल अभी मुझे लगता नहीं है, बुलिश जोन पे चल रहा है। RSI लगभग इसका
60 प्लस है तो बुलिश है। और ये था ओवरव्यू कहानी। अब भागेगा क्यों, उसके पीछे दो रीज़न है, एक नहीं। पहला तो दोस्तों टेक्निकली मैंने आपको दिखा दिया, ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट भी बता दिया, टारगेट बता दिए। दूसरा रीज़न बताता हूँ, दूसरा रीज़न है दोस्तों, इनको देखिए पत्रा चार है 3 जुलाई का NSE BSE के साथ, इसके अंदर आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। इनको 257.60 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, ये देखिए आप LOA जो इनका है वो मिल गया है। सो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा अपडेट है इनके लिए। मदुरई सिटी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑर्डर मिला इनको, जिसे इन्हें 36 महीने में पूरा करना है। तो एक ट्रिगर चाहिए होता है ब्रेकआउट के बाद, तो ट्रिगर भी है इनके पास दोस्तों। सो ये थी ओवरऑल कहानी, समझ में आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, और अगर ऐसी स्विंग ट्रेड के और स्टॉक चाहिए तो दोस्तों कमेंट करिए, मैं कंटिन्यू करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।